अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल साइकिल के ही सीक्वेंस को हम लोग देखने जा रहे हैं कि पहले हमने सेल साइकिल पढ़ा, उसके बाद हमने माइटोसिस पढ़ा। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो मियोसिस है। जैसे कि हमने लिखा भी है कि आज जो हमारा टॉपिक है वो मियोसिस है। मियोसिस क्या है? ये बेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें हम लोग गैमेट्स का बनना है, फिर उनकी फर्टिलाइजेशन वगैरह पढ़ते हैं, तो मियोसिस के बगैर ये मुमकिन नहीं होता। मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से एवोल्यूशन भी हम लोग कहते हैं कि इसका एवोल्यूशन में बहुत बड़ा हिस्सा है। मियोसिस ही वो प्रोसेस है जो क्या करती है कि एक स्पीसीज के नंबर को मेंटेन रखती है, क्रोमोसोमल नंबर को मेंटेन रखती है। और मियोसिस ही वो प्रोसेस होती है जो कि एनिमल्स या प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी जो आगे प्रोजेनी होती है, उसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनके अंदर ऐसी तब्दीलियां लाती है जो कि उसे चेंजिंग एनवायरमेंट में सर्वाइवल के काबिल बनाती है। तो मियोसिस की तरफ चलते हैं। तो मियोसिस क्या है? ये एक सेल डिवीजन है, ठीक है। जैसा कि माइटोसिस भी क्या थी? एक सेल डिवीजन थी। ये एक सेल डिवीजन है जिसमें क्या होता है? एक पेरेंटल सेल। और पेरेंटल सेल कौन सा होता है? ये डिप्लॉइड सेल होता है। मियोसिस क्या थी? इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच पेरेंटल डिप्लॉइड सेल डिवाइड इंटू डॉटर बट हैप्लॉइड सेल। इसमें होता है कि एक सेल जो कि डिप्लॉइड है वो डिवाइड करता है और चार हैप्लॉइड सेल बनाते हैं। ऐसी टाइप की सेल डिवीजन को हम लोग मियोसिस कहते हैं। माइटोसिस में क्या होता है? डिप्लॉइड सेल डिवाइड करके डिप्लॉइड ही बनाता है। कुछ कंडीशन में हैप्लॉइड सेल डिवाइड करके हैप्लॉइड बनाता है, लेकिन मियोसिस सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होती है और ये डिवाइड करके हमेशा हैप्लॉइड सेल बनाती है। डिप्लॉइड सेल कभी भी मियोसिस में नहीं बनता अगर सारे प्रोसेस नॉर्मल हो। नॉन डिसजंक्शन वगैरह प्रोसेस आ जाए तो तब हो सकता है कि एक सेल के अंदर क्रोमोसोम मिसिंग हो जाए, लेकिन टोटली डिप्लॉइड से हम लोग कहते हैं कि पूरे का पूरा सेट आ जाए ऐसा बहुत रेयर होता है। तो ये एक ऐसी डिवीजन जिसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड करके चार हैप्लॉइड सेल बनाता है। इसकी अगर हम लोगों ने डायग्राम देखे तो ये कुछ ऐसी डायग्राम होगी जिसमें एक सेल है डिप्लॉइड जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम के डुप्लीकेटेड फॉर्म में मियोसिस वन होती है, ये डिवाइड करके इस हिस्से में चले जाते हैं, फिर आगे मियोसिस टू से डिवाइड करते तो एक सेल ने चार सेल बनाती है। इस तरह की डिवीजन को हम लोग मियोसिस का नाम देते हैं। अब मियोसिस के स्टेप्स में उसकी ड्रामेटिक एक्सप्लेनेशन पे चलने से पहले हम लोग देखते हैं कि मियोसिस इतनी जरूरी क्यों है। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया था कि क्या इसके बहुत से काम है, बहुत वजह से मियोसिस जरूरी है। इसमें सबसे पहले आते हैं ये बेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करती है तो कंफर्म बात है कि उसके अंदर मियोसिस के फिनोमेना होते हैं। अब दो तरह की डिवीजन पढ़ ली थी, तो इस तरह हम देख रहे हैं सेल भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सोमेटिक सेल और दूसरे होते हैं गैमेटिक सेल, ठीक है। दो तरह के सेल होते हैं, सोमेटिक सेल और गैमेटिक सेल। दोनों क्या है? डिप्लॉइड है। दोनों सेल डिप्लॉइड है, लेकिन जो सोमेटिक सेल है ये माइटोसिस से डिवाइड होते हैं, जबकि जो गैमेटिक सेल है ये मियोसिस से डिवाइड होते हैं, ठीक है जी। इसमें डिप्लॉइड सेल डिवाइड होते हैं, जो सेल बनता है वो डिप्लॉइड है। इसमें मियोसिस से गैमेटिक सेल की डिवीजन जब होती है तो जो सेल बनता है वो हैप्लॉइड होता है। इसके बाद ये बेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ये दो गैमेट्स का स्पर्म और एग। स्पर्म क्या है? ये मेल में बनते हैं और मियोसिस में हम लोग स्पर्म के बनने का प्रोसेस भी डिस्कस करते हैं, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस का नाम दिया जाता है। एग क्या है? ये फीमेल में बनता है और इसके बनने के मतलब हम लोग ओजेनेसिस कहते हैं। ये भी मियोसिस में कंसीडर किया जाता है, पढ़ा जाता है, लेकिन अलग डिफरेंट बुक्स में आपने देखा होगा इसे फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक में ज्यादातर रखा जाता है। इन दोनों को कंबाइन हम लोग गैमेट्स कहते हैं। सेपरेट कहा जाता है स्पर्म है, इसका बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, ये एग है, इसका बनना ओजेनेसिस है। इन दोनों की फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है जायगोट, ठीक है जी। स्पर्म और एग के बनने के लिए भी मियोसिस की जरूरत है। अगर स्पर्म और एग ना बने तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुमकिन नहीं है, लिहाजा ये बेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। इन दोनों के कंबाइन करने को हम लोग फ्यूजन भी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है और साइन गैमी का नाम भी से दिया जाता है, ठीक है जी। ये तीनों स्टेप क्या है? जिसमें एक स्पर्म और एग आपस में कंबाइन होकर एक जायगोट बनाते हैं, एक हैप्लॉइड स्पर्म हैप्लॉइड एग मिलकर डिप्लॉइड जायगोट बनाते हैं। इस समय को फ्यूजन ऑफ गैमेट फर्टिलाइजेशन या साइन गैमी का नाम भी दिया जाता है।
मियोसिस की जो दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट है वो क्या है, क्रॉसिंग ओवर होती है। माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर का कोई फिनोमेनन नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। इसमें क्या होता है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिन ये आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये समझ सकते हैं दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनके जो सिस्टर क्रोमेटिन है ये कंबाइन करते हैं और एक्सचेंज करते हैं अपने सेगमेंट्स को, ठीक है जी। जब इनके सेगमेंट की एक्सचेंज होती है तो हाफ या इससे ज्यादा इससे कम इस क्रोमोसोम का एक सेगमेंट इसके पास चला जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, और इस क्रोमोसोम का एक सेगमेंट इसके पास आ जाता है। अगर हम लोग इसकी ड्रामेटिकली बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, अब उसमें देखते हैं। इस क्रोमोसोम का ये जो पार्ट था ये कहते हैं कि इस क्रोमोसोम का सेगमेंट क्रॉसिंग ओवर में इसके साथ अटैच हो जाता है, और इसी तरह इस क्रोमोसोम का सेगमेंट क्रॉसिंग ओवर के दौरान दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिन से एक्सचेंज कर लेते हैं। इसके नतीजे में क्या होता है, जब ये कॉम्बिनेशन डिवाइड होते हैं और हमारे एग की बात करें या स्पर्म की बात करें तो एक एक क्रोमोसोम चला जाता है, तो जो वेरिएशन आती है इसकी वजह से चार तरह की फिनोटाइप हम लोग कहते हैं, लेकिन बेसिकली दो तरह की होती है। दो एक फिनोटाइप होगी जिसमें बिल्कुल जो अगली नसल आएगी उसमें पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन जैसे सुसिया तो उनकी जैसे फिनोटाइप भी आप लोग कह सकते हैं कुछ कंडीशन पे आ सकती है। फिनोटाइप की एग्जांपल्स बहुत सी हैं तो लिहाजा मैंने कोई स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा। उसके बाद अगर ये तो जिनमें क्या हुई है क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, अब ये क्या होंगे, ये ज्यादा वेरिएटेड हो चुके हैं, वेरिएशन में आ चुकी है, तो ये जिसमें जाएंगे उनकी फिनोटाइप क्या होंगे, जो जेनेटिक मेकअप होगा वो पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो ये दो तरह की फिनोटाइप बनती है, और ये करती क्या है, बेसिकली मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, वेरिएशन आती है, रिकॉम्बिनेशन या वेरिएशन आती है, वो क्या करती है, एक ऑर्गेनिज्म को चेंजिंग एनवायरमेंट में सर्वाइवल के काबिल बनाती है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फिटेस्ट बनाती है, आप ये कह सकते हैं डार्विन की थ्योरी में हम लोगों ने से पढ़ा गया। उसके बाद क्या जी, ये कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखती है, कि फर्स्ट जगह इंसान में 46 क्रोमोसोम होते हैं, मियोसिस से जब ये सेल डिवाइड करता है तो 23 और 23 अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो उसमें फीमेल होगा तो ये एग है, मेल होगा तो ये स्पर्म है। जब ये 23 फर्ज करे स्पर्म और 23 वाला एग ये दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, 23 दोनों कंबाइन होते हैं क्रोमोसोम फिर कितने होते हैं 46। तो ये क्या करते हैं, एक स्पीशीज के अंदर कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन करता है। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, हर फर्टिलाइजेशन के बाद क्रोमोसोम की तादाद बढ़ती जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं। अगर ह्यूमन की बात करें तो मेडिकल फील्ड में बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं, अभी हम लोग देखते कैसे कि ये तो था जी नॉर्मल प्रोसेस। अगर फर्ज करते जी 46 क्रोमोसोम और 46 क्रोमोसोम एक एग है और एक स्पर्म में ये दोनों मिले तो क्या होगा जी, 92 क्रोमोसोम वाला एक जायगोट बनेगा जिसमें क्रोमोसोम क्या होंगे 92। अब जब ये डिवाइड करेगा फर्टिलाइजेशन के जरिए, ठीक है जी, फर्ज करते हैं ये एक मेल या फीमेल फर्ज करते होती है, इसी तरह अगर ये मेल है एक फीमेल भी इसी तरह अगर पैदा हुई है तो इनके क्रोमोसोम जब मियोसिस के जरिए मिलेंगे और एक जायगोट बनेगा तो उसके अंदर क्या होंगे 184 क्रोमोसोम होंगे, और इस तरह क्या होगा जी जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम के नंबर इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि डिफिकल्ट हो जाएगा एक तो स्टडी करना, दूसरा उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को स्टडी करना। अगर कोई डिजीज आ रही है तो क्रोमोसोम के नंबर ही इतने ज्यादा है कि कैरियोटाइप बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इस वजह से क्या होता है, एक दूसरा मियोसिस की इंपॉर्टेंट भी और कुदरत का एक कह लें कि नियमत भी है कि जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम के नंबर मेंटेन रहते हैं। अगर ऐसा ना हो तो हर जनरेशन के बाद क्रोमोसोम के नंबर क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है जी। तो ये एक मियोसिस की हम लोग कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस में आता है। अब हम लोग मियोसिस की करते हैं कि मियोसिस में स्टेप क्या है, तो मियोसिस को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। मियोसिस को क्या किया जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक हम लोग कहते हैं हेट्रो टाइपिक मियोसिस और एक होती है होमोटाइपिक। इसको हम लोग कहते हैं मियोसिस वन, इसको हम लोग कहते हैं मियोसिस टू। मियोसिस वन को हेटरोटाइपिक भी कहते हैं कि इसकी डिवीजन बिल्कुल डिफरेंट है, और होमोटाइपिक जिसे मियोसिस टू कहते हैं उसे ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस
इधर है कुछ लिहाज से। तो मियोसिस वन को फिर आगे हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कैरियोकैंसिल वन और साइटोकैंसिल वन। जो कैरियोकैंसिल वन है उसके मजीद शब्द भी है प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टेलोफेज वन, इस तरह मियोसिस टू में फिर है। और प्रोफेज जो मियोसिस वन का प्रोफेज वन है इसकी आगे डिवीजन है। तो हम लोग हम इसे ड्रामेटिकली डायग्राम के जरिए देखेंगे कि प्रोफेज वन में क्या हो रहा है, प्रोफेज टू में क्या हो रहा है, सॉरी मेटाफेज में क्या हो रहा है, प्रोफेज में सब फेजेस कितने हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो ड्रामेटिकली हम लोग मियोसिस देखते हैं। तो मियोसिस जो होती है इसकी दो टाइप्स थी, जैसे मैंने पहले बता दिया था मियोसिस वन मियोसिस टू। तो मियोसिस वन की डायग्राम मैंने यहां पर बनाई है, तो हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। जो मियोसिस वन है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, कैरियोकाइंसिस वन और साइटोकाइंसिस वन। जो कैरियोकाइंसिस वन है मैंने उसकी डायग्राम बनाई है, जिसमें यहां से लेके यहां तक जो है, ठीक है जी, ये जितनी भी फेजेस हैं ये प्रोफेज वन की है। जो प्रोफेज वन है ये माइटोसिस के प्रोफेज वन, माइटोसिस के प्रोफेज टोटली डिफरेंट है। उसकी वजह यहां पे कुछ ऐसे फिनोमेना होते हैं जो कि माइटोसिस में नहीं होते। उसके अलावा ये माइटोसिस के प्रोफेज से बहुत लंबा प्रोफेज है। अब जो प्रोफेज है इसको इतना लंबा नहीं, वैसे हमने अपनी क्योंकि इसमें कोई ट्रांजिशन बाउंड्रीज तो होती नहीं है क्लियरली हमें पता चले, हमने अपनी सहूलत के लिए कहेंगे कि इसे मजीद सब डिवाइड किया है। किस किस हिस्से में डिवाइड किया है, तो उसमें सबसे पहले इसके जो फेज उसे लैक्टोटीन कहते हैं, इसका दूसरा फेज उसे हम लोग जायोटीन कहते हैं, तीसरे फेज को फाइटोटीन कहते हैं, इसके बाद डिप्लोटीन और एट द एंड डाइकाइनेसिस। ये प्रोफेज वन के सब फेजेस हैं, ठीक है जी। प्रोफेज वन की तरफ आते हैं, तो जो प्रोफेज वन होता है इसके अंदर क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसकी पहले से क्या हुई है, डुप्लीकेशन हो चुकी है। यानी कि माइटोसिस के अंदर और मियोसिस में भी क्रोमोसोम की पहले से क्या हुई है, ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, ठीक है जी। और इसकी पहले से एस फेज होने की वजह से क्या हुई है, डुप्लीकेशन हो चुकी है। लेकिन यहां पे क्या होता है, एक इंसान के अंदर एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने के लिए एक क्रोमोसोम के ऊपर जितनी जीन्स होती हैं, वैसा ही क्रोमोसोम उसी न्यूक्लियस के अंदर एक एक्स्ट्रा मौजूद होता है डिप्लॉइड सेल में, और ऐसे क्रोमोसोम जिनके ऊपर दो सेम लेंथ के हो, जीन्स भी सेम हो, उन जीन्स की प्रॉपर्टीज, उस क्रोमोसोम के स्टेन प्रॉपर्टीज, सारा कुछ एक जैसा हो, ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है जी। ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। फर्ज करिए दो क्रोमोसोम थे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इस क्रोमोसोम के पास थी, यानी कि इसने जो जो फिनोटाइप कंट्रोल करनी है वही फिनोटाइप इस क्रोमोसोम में भी कंट्रोल करनी है। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग आपस में क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। जैसे प्रोफेज वन का आगाज होता है क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू होते हैं, कब, लेप्टोटिन फेज के अंदर। लेप्टोटिन फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, क्या होता है जी, क्योंकि ये डुप्लीकेट हो चुके हैं तो ये पहले ही डुप्लीकेटेड फॉर्म में हमारे पास आ चुके होते हैं। ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, इनकी डेफिनेशन अगर हम लोग करें तो ये टू आइडेंटिकल बट नॉट नेसेसरी क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। दो क्रोमोसोम जो एक बिल्कुल आइडेंटिकल है लेकिन ये दोनों जरूरी नहीं है, अगर इनमें से एक भी हो तो काम चलेगा, ऐसे क्रोमोसोम में जुड़े को हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेटेड फॉर्म है, लेकिन कुछ बच्चे इन दो ए को होमोलोगस क्रोमोसोम समझते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन ये इस फॉर्म में होते हैं मियोसिस किसी भी डिवीजन में आने से पहले, क्योंकि एस फेज होती है तो ये डुप्लीकेटेड फॉर्म में यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब क्या होता है, लेप्टोटिन फेज में जब एक जेनेटिक मटीरियल डिस्पर्सल फॉर्म में क्रोमेटिन ये कंडेंस होता है, तो इस क्रोमेटिन के कंडेंस होने से क्या होता है, इस क्रोमेटिन के कंडेंस होने से क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होता है, जिसे हम लोग इस नाम से पढ़ते हैं क्रोमोसोम। कौन से, होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे ये क्रोमोसोम बनते हैं तो क्या होता है, एक सिग्नल के जरिए एक दूसरे के करीब आने शुरू होते हैं, और क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट पेयरिंग बनने शुरू हो जाती है।
ठीक है जी। क्रोमोसोम एक दूसरे के कहते हैं करीब आते हैं और पॉइंट टू पॉइंट पेयरिंग बनने शुरू हो जाती है। ये जो पेयरिंग होती है जैसे ही क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो जाइगोटिन फेज शुरू हो जाती है। इसमें क्या होता है जी लेंथ वाइज क्रोमोसोम क्या करते हैं अरेंज होते हैं और पॉइंट टू पॉइंट पेयरिंग होती है। यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग साइनेप्सिस कहते हैं। ठीक है जी ये जो हमारे यहाँ पे होता है किस फेज में जाइगोटिन फेज में जब क्या होता है पेयरिंग करीब आते हैं समझ लो हम लोग साइनेप्सिस कहते हैं और इस फेज को जाइगोटिन फेज कहते हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि पेयरिंग लाजमी नहीं है इसी तरह हो। इस पेयरिंग की तीन टाइप्स होती है। अगर तो एक होता है होमोलोगस क्रोमोसोम की ये सेंटर में ही रेफरेंस करें ठीक है जी। अगर समझाने के लिए मैं आपको ये समझा सकता हूं कि आप ऐसा करें कि फर्ज करें ये दो क्रोमोसोम थे जो किससे अटैच है सेंट्रोमियर से। लेकिन पेयरिंग अगर दो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट है पहले पॉइंट टर्मिनल से जुड़ते हैं फिर क्या होती है सेंट्रोमियर की पेयरिंग होती है फिर बाकी जुड़ते हैं। अगर इस तरह की पेयरिंग हो रही हो तो हम इसे टर्मिनल साइनेप्सिस कहते हैं दूसरी या प्री टर्मिनल साइनेप्सिस भी कहते हैं। ठीक है प्रो टर्मिनल साइनेप्सिस के बाद अगर सेंट्रोमियर पहले जुड़ते हैं उसके बाद सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमेटिन की पेयरिंग हो रही होती है तो हम इसे प्री सेंट्रिक साइनेप्सिस कहते हैं। और रैंडम में क्या होता है क्रोमोसोम बिल्कुल ना टर्मिनल से ना सेंटर से बल्कि क्या होते हैं पेयरिंग लेंथ वाइज आते हैं और पॉइंट टू पॉइंट पेयरिंग होती है। ऐसी पेयरिंग को हम लोग रैंडम पेयरिंग कहते हैं और ज्यादातर ट्रेडिशन में रैंडम पेयरिंग ही होती है। उसके बाद पेयरिंग जब होती है तो जैसे ही पेयरिंग कंप्लीट होती है ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें क्या होता है चार क्रोमेटिड होती है सिस्टर नॉन सिस्टर मिला के या दो क्रोमोसोम फ्यूज होते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग इस नाम से पढ़ते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को टेट्राहेड्रल कहते हैं कि वो चार क्रोमेटिड है या बाइवैलेंट कहते हैं। ठीक है जी इसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है क्रॉसिंग ओवर होती है कि इस क्रोमोसोम का सेगमेंट इसके पास जाएगा इसका सेगमेंट इसके पास आएगा। अब इस क्रॉसिंग ओवर की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है जी क्रॉसिंग ओवर भी डिफरेंट तरीके से होती है लेकिन जो लेटेस्ट रिव्यू के मुताबिक है होता है कि इसका सेगमेंट ब्रेक होता है कैसे एंडोन्यूक्लियेसिस एंजाइम होते हैं इसका सेपरेट सेगमेंट होगा ब्रेक होगा एंडोन्यूक्लियेसिस एंजाइम की वजह से। इसी तरह इसका सेगमेंट भी क्या होगा ब्रेक होगा एंडोन्यूक्लियेसिस एंजाइम की वजह से। ये सेगमेंट ऑपोजिट या नॉन सिस्टर क्रोमेटिन के सेगमेंट के साथ जाके जुड़ेंगे और लाइगेज एंजाइम में बाइंड कर देंगे। इस तरह क्या होगा इसका सेगमेंट ब्रेक होगा इसके पास इसका सेगमेंट ब्रेक होगा इसके पास आएगा नतीजे में दो क्रोमोसोम बनते हैं जिसमें क्या होता है जी लेकिन इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है रिकॉम्बिनेशन आती है अगली नस्ल में तब्दीलियां आती है उस तब्दीली की वजह से क्या एनवायरमेंट में सर्वाइव करता है। उसके बाद क्या होता है डिप्लोटीन का फेज आता है क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं सारे प्रोसेस में इतनी कंडेंसेशन होती है कि यहां एक बार बताता हूं जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है वहां पे पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम लोग क्यास मेटा कहते हैं। क्यास मेटा ये पेयरिंग के दौरान वो पॉइंट है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होनी होती है। इसके अलावा भी बहुत से पॉइंट्स होते हैं जिसके साथ ये पेयरिंग पॉइंट टू पॉइंट पेयरिंग बनाई होती है। डिप्लोटीन फेज में क्या होता है क्यास मेटा के अलावा जितने भी पॉइंट पे क्रोमोसोम आपस में जुड़े हैं वो सारे के अभी पॉइंट्स ब्रेक हो गए सेपरेट हो गए लेकिन अभी भी एक ऐसा पॉइंट में होगा जहां से जुड़े हैं वो कौन सा पॉइंट होता है क्यास मेटा। डिप्लोटीन के बाद आते हैं डायकैनसिस के जो जिस क्यास मेटा के जरिए भी जुड़े होते हैं बाकी सारे पॉइंट से ब्रेक हो चुके थे यहां पे आ गए डायकैनसिस में वो क्यास मेटा वाला पॉइंट ब्रेक होता है और ये दो क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं लेकिन इतने भी सेपरेट नहीं होते कि टोटली गए। यहां पे जैसे कि मैंने इन तीनों फेजेस में क्या है कि आपस में कहीं ना कहीं लिंक दिखाया जैसे कि क्रॉसिंग ओवर की बात करी यहां और यहां पे लिंक है इस प्रोसेस में यहां पे लिंक है लेकिन यहां से ब्रेकअप हो चुका है यहां पे आकर होता है दोनों सेपरेट हो जाते हैं लेकिन टोटली सेपरेट नहीं हो पाते। अब इस सारे फेज में प्रोफेज हो रहा होता है और साथ साथ क्या होता है माइटोटिक ऑपरेटस ऑर्गेनाइज हो रहा होता है। माइटोटिक ऑपरेटस क्या है माइटोसिस की वीडियो में हमने इसे पढ़ लिया था इसकी स्टडी की स्ट्रक्चर कैसा है क्या काम करता है किस स्ट्रक्चर है इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो माइटोटिक ऑपरेटस बनने के बाद जैसे ही यहां तक फेज खत्म होती है प्रोफेज वन क्या होता है खत्म हो चुका होता है। ठीक है जी प्रोफेज वन खत्म होने के बाद मेटाफेज वन आता है जो न्यूक्लियर एनवेलप था यहां पे मैंने डायग्राम में डायग्राम से
ब्लू कलर से दिखाया, लेकिन किस तरह ब्रेक्स में, क्योंकि क्रोमोसोम क्या होता है, ये इंटैक्ट होता है, इसके अंदर पोर्स वगैरह होते हैं। तो अब क्या होता है, न्यूक्लियर वगैरह डिसअपीयर कर दिया जाता है, सारा जितना भी न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह था वो सारा साइटोप्लाज्म में आता है, साइटोप्लाज्म ज्यादा विस्कस हो चुका होता है। माइटोटिक ऑपरेटर से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, और इसके अलावा क्या होती है, पोलर फाइबर्स भी होते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ, माइटोटिक में जो काइनेटोकोर फाइबर होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स के दो टाइप है, पोलर और काइनेटोकोर फाइबर। काइनेटोकोर फाइबर क्या करते हैं, क्रोमोसोम के सेंट्रोसोम मेयर के ऊपर जो काइनेटोकोर है उसके साथ जाकर बाइंड करते हैं, और जैसे ये बाइंड करते हैं इसे सेल एक सेंटर में ले जाते हैं, जिसे हम लोग मेटाफेज के अंदर मेटाफेज प्लेट कहते हैं। तो ये बन गया मेटाफेज वन। मेटाफेज वन के बाद क्या होगा, ये काइनेटोकोर फाइबर्स खींचेंगे एक अपने पोल्स की तरफ, और क्रोमोसोम सेपरेट होकर अपने अपने पोल्स की तरफ आ जाएंगे। जैसे ये कंडीशन हो जाएगी इसे हमें एनाफेज वन का नाम देते हैं। एनाफेज वन के बाद क्या होता है जी, जो आखिरी फेज होता है टेलोफेज वन स्टार्ट होता है, जिसमें क्या होता है, जितने भी फेज रिएक्शन में जितने भी फिनोमेने होते हैं वो प्रोफेज के बिल्कुल रिवर्स हो जाते हैं। उसमें माइटोटिक ऑपरेटर बन रहा था, इसमें डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसमें क्या था जी, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन रहा था, इसमें क्या थी, वो वापस डीकंडेंस होकर क्रोमेटिन मटेरियल में बदल गया। उसमें क्या हुआ था, न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट खत्म हो गया था, इसके अंदर क्या हुआ, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट वापस बन चुका है। इनके अंदर क्या था, साइटोप्लाज्म विस्कस हो गया था, इसके अंदर साइटोप्लाज्म दोबारा नॉन विस्कस हो गया। इसके बाद टेलोफेज के बाद आता है साइटोकाइनेसिस। इस फेज में क्या होता है, एनिमल की बात करें तो इसके बिल्कुल सेल के सेंटर से इन्वेजिनेशन होती है, क्लीवेज होती है, और ये क्लीवेज बढ़ती बढ़ती क्लीवेज फल की कंडीशन में आ जाती है, और एट द एंड क्या होता है, जब ये दोनों आपस में बाइंड कर चुके होते हैं तो यहां से डिवीजन होती है और दो सेल बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह के होते हैं, दो सेल बन जाते हैं, और इस जब से ये साइटोकाइनेसिस वन खत्म होती है, मियोसिस वन खत्म हो चुकी होती है, हेट्रो जो टाइपिक मियोसिस है वो खत्म हो चुकी है। इसमें क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो सेपरेट हो चुके हैं कुछ इस शक्ल में, कि अगर हम लोग इसे देखना चाहें तो ये कुछ एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। अगले फेज में जो मियोसिस टू होती है उसमें क्या होता है, ये क्रोमाटिड के जो डॉटर क्रोमाटिड है ये भी सेपरेट हो जाते हैं, जिसे हम लोग सिस्टर क्रोमाटिड सॉरी कहते हैं। सेपरेट क्रोमोसोम से होने के बाद हर एक क्रोमाटिड डॉटर क्रोमाटिड में जाती है, उसकी तरफ से होते हैं। अब इसी एक साल को मैं लेके चलता हूं कि इसके अंदर न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, छोटा सा इसके अंदर शॉर्ट इंटरफेज होता है, सारा प्रोसेस रिपीट होता है, लेकिन एस फेज नहीं होती, लिहाजा जो क्रोमोसोम इस चक्कर में है कंडेंस होने के बाद ये ऐसे रहेगा, ये दो से चार नहीं होने वाले, चार क्रोमेटिड नहीं बनते। इसके बाद क्या होता है, प्रोफेज आता है, क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं और इस चक्कर में चले जाते हैं। फिर क्या होता है, मेटाफेज बनता है कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, जो माइटोटिक ऑपरेटर्स है वो ऑर्गेनाइज हो चुका होता है, और इन क्रोमोसोम को सेंटर में लाया जाता है। इसके बाद कौन सा फेज आता है जी, एनाफेज आता है। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो डिवाइड करता है और अपने अपने पोल्स की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद टेलोफेज आता है, क्या होता है, हर क्रोमोसोम क्रोमोसोम डिवाइड हो गया, डॉटर क्रोमेटिन या डॉटर क्रोमोसोम आप जिसे कह रहे हैं, ये अपने अपने पोल में चले जाते हैं और डीकंडेंस हो चुके होते हैं। फिर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होती है और एक सेल दो में डिवाइड कर देता है। इसी तरह इस सेल के साथ भी होगा, नतीजे के तौर पर क्या होगा, चार सेल बनते हैं। अगर आप लोग इसे रिडक्शन फेज की बात देखिए, इसमें बेसिकली होता क्या है कि इस कंडीशन से क्रोमोसोम इस कंडीशन में चले जाते हैं और फिर इस कंडीशन से ये जब दोबारा डिवाइड करते हैं तो क्या हुआ, हर स्टेज के ऊपर क्रोमोसोम के नंबर कम होते जा रहे हैं, इसीलिए
हम लोग मियोसिस को रिडक्शन फेज भी कहते हैं।